ये कहते हैं कि मुसलमान चार चार बीवी कर लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर देते हैं और 10 साल 20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं जो भी मुझसे चर्चा करना चाहे कर ले। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर किसी ने स्टडी किया है, 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। लेकिन आज भी मुसलमानों की जन्म दर करीब 2.5 है, 2.7 है और हिंदुओं की 2.3 है, यानी कि परिवार में 2.3 का परिवार आ जाता है, 2.7 है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की दर दर घट रही है, 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की दर दर बराबर हो जाएगी 2028 तक, और उस समय पूरे देश में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जो भी होगा 2028 तक बढ़ोतरी, उसके बाद बढ़ोतरी नहीं हो सकती। बात यही है, आज खतरा बताकर हिंदुओं को गुमराह किया जाता है और दूसरी तरफ एक ओवैसी साहब है वो मुसलमानों को खतरा दिखाकर वो उधर वोट कमाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी हिंदुओं को खतरा बताते हैं, ओवैसी भी मुसलमानों को खतरा बताते हैं। ना हिंदुओं को खतरा है,